जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई बैठक में डीएम ने राजस्व वादों के निस्तारण समयबद्ध ढंग से करने के साथ ही निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत राजस्व वसूली करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पेंशन प्रकरणों, ऑडिट आपत्तियों एवं वरासत के मामलों का प्रमुखता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश देते हुए यह भी कहा कि उच्च न्यायालयों में दायर मामलों का सीए प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि भू माफिया पोर्टल पर प्राप्त मामलों का निस्तारण 2 सप्ताह के अंदर अवश्य कर दिए जाएं। उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देश दिए कि भू माफियाओं का चिन्हांकन कर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चयनित लाभान्वित कृषकों को 10-10 वृक्षारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित करें, जिसमें 5-5 वृक्ष वन विभाग द्वारा उपलब्ध होगा। जिलाधिकारी ने बाढ़ बचाव संबंधी संपूर्ण तैयारियां करने के निर्देश देते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी संवेदनशील बंधों का ड्रोन कैमरों द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट अति शीघ्र उपलब्ध करा दें और प्राकृतिक आपदा से यदि कोई मृत्यु होती है तो एसडीएम, तहसीलदार तत्काल मौके पर जाएं और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुजी गुप्ता, एडीएम एफआर विधान जायसवाल, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ट्रेडिंग कैसे आए आगे बता दीजिए। कैसे बता रहा है? 17,000 मिला, ठीक है। उस पर कितने करा दिए आपने? 13,000 बाकी मिल गया सर। उसमें एक चीज वेरीफाई करना, एक बार फीडिंग होने के बाद वो ऑटोमेटिकली तहसील लॉगिन पे जाता है। सर मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमें 3 दिन कर्मचारियों के नाम दे दें। इससे एक दिन सर नोट करो, तुम्हें ही बताया जा रहा है। अब तो बात कर रहे हैं कि इनकी उपार्जन योजना चल रहा है। एक है बैंक का जो डेटा हमें मिला है पीएफएमएस डेट, वो कलेक्शन करके बैंक से हमने मंगा लिया है, वो हम अपने कार्यालय से ही पेड करा रहे हैं। दूसरा है जो लैंड करेक्शन के लिए, वो हमने तहसीलों में दिया है, वो डीडी लॉगिन से तहसीलों पे करेक्ट हो रहा है। और तीसरा नया डेटा है जो ब्लॉक लेवल पे इकट्ठा होकर उसकी फीडिंग हो रही है, वो भी डीडी लॉगिन। ये सारा डेटा जो पोर्टल पे फीड हो रहा है डीडी लॉगिन से हो रहा है। अब जब डीडी लॉगिन से ये फीड करके सुरक्षित कर लिया जाता है, चाहे वो बैंक लेवल पे हो, तहसील लेवल पे हो या ब्लॉक लेवल पे, फिर वो ऑटोमेटिकली तहसील के लॉगिन पे चला जाता है। तहसील लॉगिन से उसको फाइनली सबमिट करके सुरक्षित करना है। तो इसीलिए मैंने मांगा था सभी तहसीलों से कम 3 कंप्यूटर सेवी कर्मचारियों का हमें आधार और मोबाइल नंबर दे दें, उनका मैं तहसील लॉगिन क्रिएट करा सकता हूँ। तो अभी 3 तहसीलों से ही केवल हमें मिला है, बांसगांव, सहजनवा और ये है चौरी चौरा। अभी कैंपियरगंज, अजनीर, गोला, सदर। तो ये अगर हमें दे देंगे तो आज ही हम अभी मीटिंग के तुरंत बाद, जब तक मीटिंग चलेंगे, हम ये लॉगिन क्रिएट करा के आपको दे देंगे। पुराना वाला ही नीचे डेटा था जी, हाँ उसमें नहीं थी, आपकी बात इन्होंने डाला। इस पर तहसील भाई साहब बता रहे हैं, इस पर आपका डेटा जो त्रुटि सही करने के लिए हम लोग भेजे थे, कई लोग ऐसे जैसे गाँव है जबलपुर, कई जगह है और 100 लोग को एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं।